पीटीसीएल पेंशनर जिंदाबाद, पीटीसीएल पेंशनर जिंदाबाद। ये पीटीसीएल पेंशनर कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, सारे 60 से ऊपर साथी हैं और अपने दूसरे पेंशनर साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक वो सारे दूसरे आ जाए हम साथ निकलेंगे और इंशाल्लाह साथ ही अपना काम जारी रखेंगे और अपना मिलजुल कर अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये 70-80 साल के बूढ़े पीटीसीएल पेंशनर अपना हक लेने के लिए पता नहीं केपीके से भी आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, कराची। जी सर, डेरा इस्माइल खान से आए हैं ये मोहतरम, ये बलूचिस्तान कोयटा से भी से आए हैं ये सारे पीटीसीएल पेंशनर। ये लाड़काना सिंध से आए हैं, देखें ये लाड़काना के साथी है, ये लाड़काना से आए हैं। एक मिनट मोहतरम, ये एबटाबाद केपीके हजारे के आदमी हैं ये, अल्लाह इनको खुश रखे, ये भी आए हैं। आप थोड़ा सा तारुफ, जावेद एबटाबाद से। थैंक यू सर। अब्दुल सलाम मरवत, डेरा इस्माइल खान, ये सारे पाकिस्तान के हमारे पेंशनर साथी हैं। ये देखें सर, अब्दुल वहाब अब्बासी, मैं तो फोटो देखता रहा हूँ। नज़ीर हुसैन शाह साहब, ये हमारे सीनियर साथी नज़ीर हुसैन शाह साहब इस्लामाबाद वाले, ये मोहम्मद इसहाक मक्सी को पहचाने, ये हमारे पुराने साथी साहब, ये हमारे रावलपिंडी के अनीस कुरैची भाई, जो इस उम्र में जिद्दोजहद करने, अपना हक लेने, इस कंडीशन में जब वो एक, मैं कह नहीं सकता कि हम मजदूर आदमी ये लाठी के सहारे चल रहे हैं, ये लाठियों के सहारे चल रही है, क्या करें। अब हमने यहाँ लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सर वालेकुम, सर अपना तारुफ करा दीजिएगा। थैंक यू सर, आप भी पेंशनर हो और पेंशन लेने का अपना हक लेने यहाँ पहुँचे हो, और इंशाल्लाह लेकर रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अपना तारुफ भी करवाते जाएं। थैंक यू सर जी। मोहम्मद शरीफ साहब का इस वक्त कहाँ, किस शहर से? इस्लामाबाद के साथी है ये हमारे बुजुर्ग साथी। मेरा नाम मलिक असलम है।